गाइस फाइनली हमारे गेम के अंदर ट्रैप ट्रैप के जितने पुराने आइटम्स है वो सभी के सभी गेम पे वापस रिटर्न आने वाला है। अभी कब और कहां पे आने वाला है इसका अपडेट आप लोग को आज के वीडियो में पता चलेगा। गोल्डन शेड बंडल आखिर कब तक आने वाला रिटर्न उसके बारे में आप लोग को एक बेहतरीन न्यूज मिलेगा। और यहाँ पे OB45 अपडेट स्पेशल एडवांस सर्वर कब तक आएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इन सभी के बारे में गाइस आज के वीडियो पे आप लोग को प्रॉपर न्यूज और अपडेट मिलने वाला है। सो ये सब अपडेट को जानने के लिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला अपडेट होने वाला है एडवांस सर्वर को लेकर कि कब तक एडवांस सर्वर इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर या सभी सर्वर के लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मुझे जितना लग रहा है गाइस इस बार का एडवांस सर्वर आप लोगों को कंट्री के हिसाब से देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे 10 तारीख को पॉसिबल की सर्वर ओपन हो जाएगा और 22 तारीख को यहाँ पे सर्वर क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस आने वाला है। और यहाँ पे पॉसिबल की जून महीने की 4 या 5 तारीख को यहाँ पे एडवांस सर्वर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में यहाँ पे एडवांस सर्वर ओपन हो जाएगा। और गाइस इस बार OB45 अपडेट में क्या कुछ चेंजेस आने वाले, साथ में 7 एनिवर्सरी स्पेशल क्या कुछ न्यू आएगा, उन सारे अपडेट के बारे में पता चलेगा एडवांस सर्वर के अंदर। तो सभी लोग तैयार है ना उसको देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे 7 एनिवर्सरी स्पेशल पॉसिबल की कुछ पुराने आइटम्स रिटर्न आ सकता है, जैसे की यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ट्रैप ट्रैप रिंग इवेंट। तो जी हाँ भाई, ये जो बंडल देख पा रहे हो इस बंडल की रीडिंग एक नया सा रिंग इवेंट आएगा जहाँ पे आप लोग इस बंडल को स्पिन करके निकल पाओगे। एंड बहुत ही पुराना बंडल है, पिछले साल आया था एनिवर्सरी स्पेशल। तो रिंग इवेंट का सबसे पहले ये ग्रैंड प्राइस है मेल बंडल रहेगा, उसके बाद भाई आप लोग को यहाँ पे फीमेल बंडल भी मिलेगा ट्रैप ट्रैप का, जो भाई बहुत यूनिक है एंड आप लोग इसको भी स्पिन करके निकल पाओगे इस रिंग इवेंट के अंदर से। एंड गाइस आप लोग को यहाँ पे कुछ इमोट भी मिलेगा, जैसे कि भाई यहाँ पे थ्रोन वाला इमोट देख पा रहे हो जो टॉयलेट भी बन जाता है, साथ में यहाँ पे भाई थ्रोन जैसा भी बन जाता है, ये वाला इमोट भी यहाँ पे रहने वाला है। बहुत ही कमल का होगा ये वाला रिंग इवेंट। और इसके बाद भाई आप लोग को और एक इमोट देखने को मिल रहा होगा जिसका नाम है क्रोमा ट्विस्ट इमोट, तो ये वाला इमोट भी रहने वाला है इस रिंग इवेंट के अंदर। टोटल इन 4 आइटम को लेकर एक नया सा इवेंट आने वाला है एंड इन सब आइटम को आप लोग डायरेक्टली स्पिन करके निकल सकते हो। और यहाँ पे जो टोकन देख पा रहे हो इस टोकन के जगह पे कोई और टोकन भी रखा जा सकते हैं, अभी कौन सा टोकन रहेगा वो तो भाई इवेंट आने के पहले मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। लेकिन 7 एनिवर्सरी स्पेशल गाइस इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए नया सा ट्रैप ट्रैप रिंग इवेंट आने वाला है, तो कौन कौन एक्साइटेड हो इस पे स्पिन करने के लिए कॉमेंट करके जरूर बताना। और इसके बाद हमारा एक मैंने कॉमेंट किया था की बीस्ट ऑफ लेजेंड बंडल की कुछ अपडेट बताओ, तो गाइस यहाँ पे जो बीस्ट ऑफ लेजेंड बंडल देख पा रहे हो ये हमारा वेपन रॉयल के जो वेपन है उसके थीम पे इसको रिजाइन किया गया, जो देखने में बहुत ही ओपी। इसका जो टैटू देख पा रहे पूरा ड्रैगन जैसा टैटू इसका बनाया गया चेस्ट में। एंड पॉसिबल कि आने वाला जो पेड इवेंट आएगा उस इवेंट के अंदर गाइस आप लोग को एज ए रिवॉर्ड वाला बंडल मिलने वाला है, जैसे कि लकी व्हील इवेंट हो सकता है, नहीं तो कोई रिंग टाइप का इवेंट हो सकता है, उसके अंदर गाइस आप लोग के बीस्ट ऑफ लेजेंड बंडल एज ए रिवॉर्ड आप लोग को मिलने वाला है, क्योंकि इसी थीम पे बेसिस है जो ग्लोवल का स्किन है भाई ऑलरेडी लक रॉयल पे आ गया है। तो इसीलिए गाइस हमारा जो बंडल है बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला इवेंट के अंदर, अभी जून महीने को पॉसिबल कि इसका इवेंट आ जाएगा। सो इसकी रेटिंग मुझे आगे जाके कोई भी इवेंट का कॉन्फर्मेशन बैनर मिलता है तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। एंड अभी बढ़ते हुए हमारे अगले अपडेट की तरफ, तो यहाँ पे मैंने कमेंट किया था कि इमोट कैप्सूल इवेंट कब आएगा, तो देखो गाइस यहाँ पे जब भी मैंने इमोट पार्टी या इमोट कैप्सूल इवेंट का प्री एक्सेस लेने गया तो यहाँ पे इवेंट टेम्पररी क्लोज ऐसा लिखा आ रहा है एंड ये जो इवेंट है अभी तक चालू नहीं हुआ। तो अगर कोई भी यहाँ पे इमोट कैप्सूल इवेंट का वेट कर रहे हो तो आप लोग को OB45 पैच अपडेट का वेट करना होगा, क्योंकि इस बार OB44 में तो ऐसा कोई भी इवेंट को रिजाइन नहीं किया गया। और यहाँ पे 7 एनिवर्सरी स्पेशल जो न्यू इमोट वगैरह आने वाला है उसकी रीडिंग में यहाँ पे इमोट पार्टी इवेंट आने वाला है, तो तैयार है ना उसका बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और बढ़ते हैं हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ, यहाँ पे मैंने स्टोर अपडेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, तो चलो मैं आप लोग को स्टोर अपडेट का अपडेट बता देता हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पे जो बंडल वगैरह देख पा रहे हो ये भाई हमारे नेक्स्ट स्टोर के अंदर एड होने वाला है एंड यहाँ पे भाई जो बंडल देख पा रहे हो इनमें से 50% श्योर है की यहाँ पे ये सब बंडल एड होने वाला है। और यहाँ पे स्टोर अपडेट की डेट रहने वाला 26 जून नहीं तो 27 जून को यहाँ पे भाई वाला स्टोर अपडेट होने वाला है। सो अगर आप लोग भाई रिसेंट स्टोर के अंदर से कुछ भी परचेस करना चाहते तो कर लो, नहीं तो भाई OB45 अपडेट के बाद स्टोर चेंज हो जाएगा। एंड आप लोगों ने जो अभी ये सब बंडल देखा इनमें से कुछ ही बंडल भाई यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्टोर के अंदर ऐड होने वाला है, साथ में भाई यहाँ पे कुछ और भी आउटफिट वगैरह ऐड हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला बंडल भाई बहुत ही यूनिक है, साथ में यहाँ पे कुछ कचरा बंडल और कुछ अच्छा बंडल को भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो आप लोग ये वाला स्टोर का अपडेट जान के कैसे लगेगा कॉमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट पैच अपडेट के बाद भाई यहाँ पे हमारा स्टोर चेंज होने वाला है। एंड गाइस अभी जो मैं आप लोग को अपडेट देने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अपडेट होने वाला ईवो एक्सेस को लेकर। तो यहाँ पे सिंगापुर और बांग्लादेश सर्वर के लिए ईवो एक्सेस का तो इवेंट आ गया है एंड नेक्स्ट रोटेशन के अंदर यहाँ पे कौन सा गन स्किन मिलेगा ये सब भी बताया गया है। MP40 फार्मास उडपीकर इनका 4 लेवल का आप लोग को स्किन मिलने वाला है और इन सब स्किन के साथ आप लोग को यहाँ पे थॉम्सन का भी यहाँ पे 4 लेवल का स्किन मिलने वाला है, M41 का भी आप लोग को 4 लेवल का मिलेगा और G18 का आप लोग को 7 लेवल का स्किन मिलने वाला है नेक्स्ट ईवो रोटेशन के अंदर। एंड यहाँ पे ये सब गन स्किन आप लोग को टेम्पररी मिलेगा, जितने दिनों का ईवो एक्सेस लेंगे उतने दिनों के लिए मिलेगा। और सिंगापुर और
बांग्लादेश सर्वर के लिए वापस यहाँ पे 6 तारीख को आएगा एंड इंडिया सर्वर के लिए यहाँ पे न्यू टाइप से यहाँ पे ईवो एक्सेस 6 तारीख को ही स्टार्ट होने वाला है। तो इनकी रीडिंग कॉन्फर्मेशन बैनर अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और गाइस इस इवेंट से टेम्पररी आइटम निकालने के लिए पैसा बर्बाद करना टोटली वेस्ट होगा, तो यहाँ पे भाई कुछ लेने से अच्छा है कुछ ना लो। और अभी बढ़ते हुए हमारे अगले कॉमेंट की तरफ, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा की गोल्डन शेड कब आएगा, प्लीज पिक माई कॉमेंट। तो जी हाँ गाइस, आप लोगों से बहुत लोग यहाँ पे गोल्डन शेड के कोई भी बंडल को निकालने के लिए तैयार हो। अभी वो कितने टोकन एक्सचेंज में आए या कितना एक्सपेंसिव आए फिर भी आप लोग उसको निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे गोल्डन शेड का बंडल सोर्चिंग रिंग इवेंट के अंदर ही आने वाला था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है। अभी भाई यहाँ पे 7 एनिवर्सरी स्पेशल पॉसिबल है कि इन सब बंडल को रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि गाइस हर एक मेगा इवेंट के अंदर कोई ना कोई एक अच्छा खासा बंडल को रिटर्न किया जाता है। तो पॉसिबल कि यहाँ पे गोल्डन शेड बंडल आप लोग को 7 एनिवर्सरी स्पेशल रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आप लोग स्पिन करके बंडल को निकाल पाओगे और नहीं तो टोकन एक्सचेंज करके भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे गाइस टोकन एक्सचेंज रेट भी बहुत ही हाई रहने वाला है, तो अगर आप लोग स्पिन करना चाहते हो भाई थोड़ा सोच समझ के स्पिन करना एंड 7 एनिवर्सरी स्पेशल भाई ये सारे बंडल रिटर्न आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। सो इसकी रेटिंग आगे जाके मुझे कोई भी अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। एंड बढ़ते हुए हमारे अगले कमेंट की तरफ, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाइट टी शर्ट कब आएगा, लेकिन पर्पल शर्ट का मैं कुछ भी अपडेट नहीं दे सकता। सो गाइस आप लोगों ने मेरे चैनल से तो ये अपडेट जरूर सुना होगा कि अगले महीने को मतलब जून महीने को यहाँ पे मॉनसून और की थीम पे जो आइटम्स वगैरह ये सारे के सारे आइटम आने वाला है और नया लॉन्च किया जाएगा इन सब आइटम को। सो यहाँ पे इन्हीं आइटम्स के रिगार्डिंग गाइस ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट को यहाँ पे रिंग इवेंट के अंदर एड किया जाएगा और कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा कि आप लोग को इनको स्पिन करके निकालना होगा, टोकन एक्सचेंज के अंदर आप लोग इनको नहीं निकाल पाओगे। तो कुल मिला के मॉनसून ओराकी के सारे आइटम को लेकर एक नया सा रिंग इवेंट आने वाला है, अभी जून महीने की पहले हफ्ते को आ सकते नहीं तो वो भी 45 मतलब 26 जून के बाद इनका इवेंट लॉन्च किया जाएगा। और फिर गाइस आप लोग स्पिन करके ये अच्छे खासे आइटम को भी निकाल पाओगे और आपका फेवरेट ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट दोनों में से कोई एक आइटम को निकाल पाओगे क्योंकि कोई एक ही रिटर्न आने वाला है। और गाइस देखते देखते मैंने आप लोग को बहुत सारे इवेंट्स और अपडेट के बारे में बता दिया, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसके बाद जो हमारे मैंने कमेंट किया था कि नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर कब आएगा, तो गाइस अभी जो मैं आप लोगों को बंडल्स वगैरह दिखाने वाला हूं इनमें से 50% श्योर है कि आप लोगों को नेक्स्ट मैजिक क्यूब पे ऐड देखने को मिलेगा। तो ऊपर का जो टॉप लिस्ट देख पर वो तो भाई सेम रहेगा लेकिन इस बार भाई आप लोग को सिल्वर सामुराई नाम के जो बंडल है ये मिलने वाला है इस बार मैजिक क्यूब स्टोर में। तो जी हां गाइस यहां पे पुराने इनक्यूबेटर का जो लास्ट बंडल होता है उनको यहां पे मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड किया जाएगा एंड इसका फीमेल बंडल जो देख पर इसको भी ऐड किया जाएगा इस बार के मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर। तो आप लोग मैजिक क्यूब से भाई इनको एक्सचेंज कर सकते हो और साथ में गाइस आप लोग कुछ और भी अलग टाइप के बंडल मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हार्ट ऑफ द बंडल, तो इस बंडल को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, देखने में तो बहुत ही ओपी सा लग रहा है। एंड यहाँ पे भाई ये जो बंडल देख पा रहे हो लेगेसी एस बंडल, इसको भी ऐड किया जाएगा। कुछ अजीब सा नाम है गाइस, मैंने शायद गलत नाम लिया होगा, तो जो भी हो गाइस ये वाला बंडल आने वाला है। साथ में यहाँ पे नर्फ नाम के जो बंडल देख पा रहे हो इसको भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा एंड ये भी थोड़ा ठीक ठाक है भाई। और इसके बाद भाई आप लोग को कुछ और भी यहाँ पे बंडल वगैरह मिलेगा जैसे की बैंडिट बंडल। तो जी हाँ भाई फाइनली बहुत दिनों के बाद जाके इस बार के अपडेट के बाद आप लोग को स्टोर के अंदर बैंडिट बंडल मिलेगा जो भाई बहुत ही ओपन बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे नीचे कुछ और भी बंडल वगैरह देख पर ये सब बंडल भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। एंड अपडेट डेट की बात करें तो भाई आप लोग को पैच अपडेट के बाद मतलब 26 जून को यहाँ पे ये वाला स्टोर अपडेट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग को अच्छे खासा मैजिक क्यूब बंडल्स मिलेगा। तो अगर आपके पास अच्छे खासा मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट या मैजिक क्यूब है तो भाई उनको वेस्ट मत करना, तो आने वाले स्टोर के अंदर आप लोग उनसे एक्सचेंज करके अच्छे बंडल ले पाओगे। और 7 एनिवर्सरी स्पेशल आप लोग को फ्री में भी मैजिक क्यूब मिलने वाला है। और 7 एनिवर्सरी स्पेशल आप लोग को फ्री का मैजिक क्यूब कब और कैसे मिलेगा इसका अपडेट मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड अभी बढ़ते हुए हमारे अगले आखिरी अपडेट की तरफ जो होगा एक लकरॉयल को लेकर, तो गाइस यहाँ पे जो आप लोग ग्रेन डॉल बंडल देख पा रहे हो इसी के थीम पे बेसिस पे एक लकरॉयल आने वाला है, मतलब पेस आइटम को रिटर्न किया जाएगा इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे समर इवेंट खत्म होने के बाद यहाँ पे रेन मतलब बारिश का सीजन चालू हो जाएगा, तो उसके स्पेशल भाई ये सारे आइटम को रिटर्न किया जाएगा जो आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे वाला पतक जैसा जो टब देख पा रहे हो मतलब ये जो भाई बहुत अजीब टाइप का ये भी आएगा। एंड साथ में आप लोग के यहाँ पे कुछ बंडल वगैरह भी मिलेगा जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी ये पॉसिबल ही सब आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन रेन डॉल थीम पे जो आइटम आप लोगों ने देखा वो सारे आइटम यहाँ पे जरूर आएगा। तो रेन थीम स्पेशल भाई आप लोगों को ये वाला लकरॉयल का अपडेट जान के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कुल मिलाकर गाइस यही था हमारा आज का अपडेट, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी तक गाइस आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आप लोग को वो सारे अपडेट और न्यूज मिलेगा जो हम लोग यूट्यूब पे नहीं दे सकते। तो प्लीज आप ज्वाइन कर लो, आप लोग को लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज का वीडियो को लंबा ना करके ही पे खत्म करते हैं, तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।